लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। राष्ट्रीय गान के बाद ये हमारा सबसे आदरणीय गीत है। इसी गीत की शाखों पर हमारी आजादी के तिरंगे फूल आए। इसी आजादी की आशा की किरणों के उजाले में हमारे नेताओं ने अपने हाथों अपना संविधान लिखा, ताकि देश से गरीबी, भुखमरी, बहन बेटियों का व्यापार और बंधुआ मजदूरी की प्रथा को खत्म किया जा सके और इन्हें बराबरी का हक दिया जा सके।
एक तरफ संसद भवन की दीवारों पर अहिंसा, त्याग, प्रेम और न्याय की मूर्तियां और दूसरी तरफ हमारे गांव कस्बों में फैलता हुआ अन्याय, जातीयवाद, क्षेत्रवाद और कट्टरवाद का कीचड़ जो गांव की तरक्की को आगे बढ़ने से रोक रहा है। कानूनी किताबें इस बात की गवाह है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन दौलत और ताकत के नशे में चूर ये लोग सबूत है कि हमारे गांव में अभी भी सरपंच तंत्र है। नमस्कार। राम राम सरकार। राम राम मलिक। नमस्कार हुजूर। नमस्कार। राम राम मलिक। पत्थर भी बोलते हैं, ये थे जुबानियों के भी जुबान खोलते हैं, दुकान लोग भी दुकान खोलते हैं। कोई जाके उनसे कह दे, कोई जाके उनसे कह दे, पत्थर भी बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं, ये बेजुबान लोग भी दुकान खोलते हैं। ये जुल्म सितम आखिर कब तक सहेगा कोई, बेरहम की बत्ती में कब तक रहेगा कोई, है खून से भी महंगा मजदूर का पसीना, को अनमोल ये नगीना, अनमोल ये नगीना। भैया बाबूराम, थोड़ा पानी बचा हो तो। अरे काहे नहीं काका, बता जो तूने पानी पिया तो। पानी पीने में अभी और 12 मिनट बाकी है। चुप बेघड़ी की औलाद, वक्त सिर्फ मरे का होता है, आए समझ में? लो काका पानी पियो। चुप। क्या बोला? दोबारा बोला ना तो जबान निकाल कर हाथ में रख दूंगी। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? मार डालोगे ना? ये लो मार डालो। अगर हम जिंदा होते तो हम तुम्हारे डंडी खाकर चुप न रह जाते, रोटी मांगते, तुम्हारे सरपंच की मोटर को भी तेल पानी की जरूरत पड़ती है। जी मालिक, ये शोर कैसा हो रहा है? क्या पता मालिक, मजूर है तो शोर गुल तो होते रहते हैं। जाके देख। जाए मालिक। हाँ। अच्छा मजूर क्या है? एक मजदूर का पांव चट्टान के नीचे दब गया है।
चट्टान बहुत भारी है। जी सरकार। फिर यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? टाइम बर्बाद मत करो। टांग काट दो। जी सरकार। ये क्या हो रहा है? चलो सब अपने काम पर भागो। क्यों कुत्ते के माफिक चिल्ला रहा है? मर गया। अभी ठीक किए देता हूं। ये ले। देख क्या रहे हो भाई? आइए जरा मदद कीजिए बेचारे की। फंस गया। उठाओ, जोर लगाओ, उठाओ। इसे अस्पताल लेके जाओ। संभाल के। चलो। ये मारा। आय हाय मेरे राजा, बजा दू तेरा बाजा। मुझे किसी ने मारा? हाँ मारा। कैसे? Thank you.
कुछ है बिगानी और कुछ मेरे अपने। चूड़ियों से गीत बजे, पायल से ताल वाले, पंद्रह से सत्रह के बीच वाला ताल है, पंद्रह से सत्रह के बीच वाला चुके। हाँ तो अपना नाम बताओ। छोटे वाला बताओ के बड़े वाला? अभी छोटे हो इसलिए छोटा वाला बताओ। मुन्ना। अच्छा एक बात बताओ, गांव का स्कूल कहाँ है? तुम कौन हो? मैं स्कूल मास्टर हूँ। एक काम कीजिए, आप अपने नाक के सीध में चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत बड़ा बड़ का पेड़ मिलेगा, वहाँ से आप दाईं ओर चले जाइए। अच्छा। अच्छे किस्म के जानवर, मजबूत किस्म के जानवर आपको ज्यादा से ज्यादा दूध दे सकें, इसके लिए सरकार ने आपके गांव में कृत्रिम वीर्यदान केंद्र खोला है। यहां पर सेहतमंद तंदुरुस्त किस्म के सांड का वीर्य इसमें निकाल करके इस तरह रखते हैं नली में, और जब गाय गर्म होती है तो इस नली द्वारा उसके गर्भाशय में ये वीर्य प्रवेश कर देते हैं। उससे अच्छे किस्म के, मजबूत किस्म के, हेल्दी किस्म के जानवर पैदा होते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा दूध मिलता है। यह है वीर्य इकट्ठा करने का तरीका। एक्सक्यूज मी मिस्टर। आई मिनिस्टर। मैं अच्छा खासा इंसान हूं, आपको सूरत से मिनिस्टर लग रहा हूं क्या? खैर कोई बात नहीं, गाय है बछड़ा? जी जी। अम्मा जी 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 जी, क्या कर रहे हो? गाय को गाभिन कराना है तो बोलो, बछड़े को बधिया कराना है तो बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मास्टर साहब आपको प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, लेकिन स्कूल में क्यों? हेडमास्टर। अम्मा दुनिया की ट्रेजेडी यही है कि जो मैं हूं वह कोई नहीं समझता। जब मैं पहली दफे इस गांव में आया था ना, तो सरपंच ने मुझे थानेदार समझा, और जब मैं ट्रेन में या बसों में सफर करता हूं तो लोग मुझे एमएलए या एमपी समझते हैं। तो क्या आप हेडमास्टर नहीं हैं? ओहो, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं हेडमास्टर बनूंगा। तो फिर स्कूल में क्या कर रहे हैं आप? स्कूल। जी हाँ, और यहां से अपने जानवर हटाइए, यहां कल विद्यार्थी बैठेंगे। विद्यार्थी और यहां? जी हाँ, ये कोई जानवरों का अस्पताल नहीं है, स्कूल है। ओहो मेरे बाप, अरे ये जानवरों का अस्पताल है,
और मैं हिंदुस्तान का मशहूर लोकप्रिय डॉक्टर सुरेंद्र प्रकाश घोड़ा, मेरा मतलब है सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर घोड़ा के नाम से मुझे याद किया जाता है। देखिए, अगर आपको गाभिन होना है या आपको बधिया होना है तो यहां रुकिए, वरना तशरीफ ले जाइए, फुटिए फुटिए। मेरा मतलब है आप यहाँ के नए मास्टर तो नहीं है? जी हाँ, वही तो कह रहा हूँ कब से। और अगर आप मुझे स्कूल का रास्ता बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, आप हमें क्षमा कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि आप नए आदमी हैं, यहाँ से सीधे सरपंच के घर चले जाइए, वो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे पूज्य पिता समान हैं, आप उनके घर चले जाइए, वहीं से आपके सारे रास्तों का पता चल जाएगा। हाँ तो ये बात बताओ कि तुम लोग मेरी हवेली से लोगों को जूता मारने की तनख्वाह लेते हो क्या? नहीं हा? और फिर जूते खाकर वापस कैसे चले आए? और फिर जूते खाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि हमारे पाँव में भी जूता है, और ये जूता उस 2% के मास्टर के जूते से पतला नहीं मुत्ता। बिल्कुल ठीक सरकार, आप क्यों तकलीफ करते, आप आराम कीजिए, मैं करता हूँ ना इनकी जय गोपाल जी की। बैठिए। गधे कहीं के नालायक, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, ना कट गई और छटक के गिर गई, उधर हो गए ना जय गोपाल जी के। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, दिन भर बैठ के मुस्टंडों की तरह खाते पीते रहते। मास्टर जी आ गए। अरे मास्टर जी आ गए तो हम क्या करें? चुबे छटंगिया जी, आइए आइए मास्टर जी, आइए आइए। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, अगर मैं पैर के नाखून ना कटवा रहा होता तो मैं भी खड़ा हो जाता, लेकिन आप मुझे खड़ा ही समझिए, मगर आप बैठिए। धन्यवाद। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मास्टर जी कि गांव आने के बाद आपकी पहली मुलाकात इनसे हुई। गधे कहीं के, लेकिन अच्छा किया आपने इनकी जूतों से खातिर की, बहुत चढ़ गए थे। इन लोगों को हजार बार समझा चुका हूँ कि जिनको हिंदी भाषा आती हो उनको जूते की भाषा समझाने की जरूरत नहीं, समझते ही नहीं। गधे कहीं के, अरे एक तो ये सरकारी नौकर हैं, ऊपर से मास्टर जी है, और सोने पे सुहागा ये कि पढ़े लिखे हैं। गधे कहीं के, जरा मेरा जूता दे रहे। रहने दीजिए ठाकुर साहब। जाने दू, आपके कहने पर छोड़ देता हूं। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, भागो। तो आप नए मास्टर हैं? जी हाँ, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं स्वर्गीय द्वारका प्रसाद जी का लड़का हूं। ओ, द्वारका प्रसाद जी के पुत्र हैं आप? इसी गांव के थे वो, बहुत नेक इंसान थे। छटंगिया जी मालिक, जरा मास्टर जी को स्कूल पहुंचा दे ठीक से। जय गोपाल जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए। अब अपने सरपंच जी आपको क्या बताएं? इतने भले मानस हैं कि बस पूछे मत। जब उनको ये पता चला कि खान का बच्चा आप पर हाथ उठाए देश, तो उस पर ऐसा बरसे कि क्या बरसे का ससुराल सावन भादो। और बातें भी बड़ी मीठी करते हैं। मिठास, अब मिठास की क्या बात करत हो? अब सुनो, मालिक के एक भांजा है, वो बचपन में चले गए लंदन, पर साल वापस आए लंदन से, आते ही मालिक के नब्ज पकड़ के कहे कि आपको डिप्टिक है। डिप्टिक डायबिटीज? वही डायबिटीज। हाँ, तो मालिक का इस चक्कर का बीमारी बढ़ते बढ़ते खून में ऐसा बढ़ा मालिक कि वो जुबान पे आ गया और जुबान मीठी हो गई, अब जब बोलते हैं तो बस मिठाई निकलता है। मालिक इस बात पे ठटाई के मत पड़े। अब विजय बाबू देखिए, ये सब तो बड़े आदमी के लक्षण है कि नहीं? अब क्या बताएं विजय बाबू, अपने मालिक, आहा, मालिक हैं बड़े शुद्ध, और आचरण है उच्च। ये ले 10 रुपया। पता नहीं सरकार को इतनी जल्दी मास्टर जी कैसे मिल जाते हैं। सरकार के पास कोनो चीज की कमी नहीं, बाकी रहे उस्मान मां सब, वो तो बहुत ही अच्छे रहे। इतवार के साथ साथ जुम्मे की भी छुट्टी, बाकी बचा बीच का शनिचर, जो चाहे आए जो चाहे ना आए,
बस 3 दिन की छुट्टी। मासा अरे अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कान पकड़ के 100 बार उठक बैठक कर रहे हैं मास्टर जी। एक वो उठक बैठक करने की बहुत प्रैक्टिस है मास्टर साहब। ये कसरत घर जाके कीजिए मुन्ना जी, ये स्कूल है अखाड़ा नहीं। शरारत करने का बच्चों को अधिकार है, लेकिन किसी को गलत रास्ता दिखाना ये तो नेताओं का काम है। अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो ये कह देने में कोई शर्म नहीं है कि आपको रास्ता मालूम नहीं है, मगर किसी को गलत रास्ता दिखाना ये महापाप है। इसलिए मुन्ना जी आप आइए और ब्लैक बोर्ड पे लिखिए कि मैं आइंदा कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। ये लीजिए। मैं आइंदा किसी को गलत रास्ता नहीं बताऊंगा। Oh!
जल गई है, चलो आप खाना दे दो। हम कुछ सोच थोड़ी ना रहे थे। नहीं नहीं, ये तो रोटी की ही बदमाशी है। चलो अब दाल भात ही दे दो। भात तो हमने बनाया नहीं, अब एक रोटी बना देते हैं। भूखे पेट तो आप पढ़ नहीं सकते, और रोटी पकाने में तुम कम से कम आधा घंटा लोगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम स्कूल ही गोल कर जाते हैं। मुन्ना, स्कूल गोल करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम आप में रहा करो, ऐसे तो तुम कभी भूखे नहीं रहे। चलो हम तुम्हें स्कूल छोड़ाते हैं, हम खुद ही चले जाएंगे। मुन्ने काहे को झगड़ रहा है रे बहन से? देखिए ना बापू, स्कूल का वक्त हो गया और यहाँ खाना ही तैयार नहीं। देर भाई तो मास्टर जी की डांट हम पर ही पड़ेगी ना। तूने ही तो कहा था कि हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। अच्छा, एक दिन भूखे पेट ना जा सकते? जूता खाने को मन हो रहा है क्या रे? चल जल्दी से स्कूल चला जा, मुंह क्या देख रहा है जनकिया? इसे स्कूल छोड़ा, चल जल्दी कर। अच्छा पापा, चल। सुरेल हाजिर। अनिल हाजिर। अमित हाजिर। जीतू हाजिर। गोविंदा हाजिर। मास्टर नीलम हाजिर। संजय हाजिर। अमीर हाजिर। धोंडी रुक काहे को गई, चलना। एंथनी हम खड़े हैं ना। लता तू जा, अगर पूछे। आशा तो कह देना दीदी की तालन देरी हो गई। वाह टीवी खूब रही, रस्ते पर तो कहती थी कि डरने की क्या बात है, यहाँ तो घीघी बन गई। इसमें डरने की क्या बात है, हम थोड़े ही डर रहे हैं। आइए श्रीमान मुन्ना जी आइए। इसी का कारण देर हो गई मास्टर साहब, पूछ लीजिए इसे। मुन्ना मुन्ना मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो मैं बहुत मारूंगी तुझे। भाई वाह, एक तो हमारे विद्यार्थी को आने में देर करवा दी, ऊपर से मारने की धमकी। और पता है मास्टर साहब, रास्ते पर कहती रही कि तेरे मास्टर जी की सूरत बहुत अच्छी है। आप थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए मास्टर साहब। हाँ आइए आइए। आपके हर छोटे बड़े काम में आपकी सहायता करने के लिए आपके झोपड़ी तक ना तो भगवान आ सकते हैं और ना ही भारत सरकार, क्योंकि भगवान भी एक ही है और भारत सरकार भी एक, लेकिन झोपड़ियां अनेक हैं। तो आप लोगों को अपनी सहायता स्वयं ही करनी होगी, अपनी भूख गरीबी के खिलाफ संगठित होकर एक लड़ाई लड़नी होगी, और वो लड़ाई शुरू होगी परिवार नियोजन से, कम बच्चे पैदा करके। मैं ये नहीं कहती कि पति और पत्नी के संबंध जरूरी नहीं, लेकिन इस संबंध का मतलब ये तो नहीं कि आप बच्चे ही पैदा करते चले जाओ। बेशर्म, यदि आपको पैदा करने का शौक है तो ज्यादा गेहूं पैदा कीजिए, ज्यादा तिलन पैदा कीजिए, ज्यादा चावल पैदा कीजिए, सिर्फ बच्चे ही क्यों? और बच्चे अगर पैदा होते रहे तो हमारी सुनिए सुनिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए। अरे माताओं बहनों रुको रुको, अरे ये डॉक्टर साहब का ये भाषण तो सुनते जाओ। माताओं बहनों मालिक, भाषण करने से पहले अगर आप हमें मिली होती तो हम आपके भाषण के लिए 2-4 हजार आदमी इकट्ठा कर देते। खैर कोई बात नहीं, अब खुली हवा में परिचय हो जाना ही अच्छा है। बोल बे छटंकिया। जी हाँ मालिक, जयगोपाल जी की ई है हमारे माई बाप, गांव के धर्मरक्षक, कर्म भोगी, स्वयं सरपंच ठाकुर राम लखन सिंह जी। नमस्कार। आप अपनी बताइए। मैं परिवार नियोजन की लेडी डॉक्टर आशा रानी हूँ। मैं तो आपसे मिले हवेली भी आई थी, लेकिन आप मिले नहीं। ओह तो आप आई थी, आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई आशा रानी जी। हम भी फैमिली प्लानिंग में विश्वास रखते हैं, ये लोग अनाड़ी है नहीं जानते, लेकिन हम आपको पूरा सहयोग देंगे। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़ी और आप हमारे पास आधी रात को भी आई और हमारे दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय गोपाल जी के। चल इधर आओ इधर आओ। नमस्ते साहब। नमस्कार।
खाने की छुट्टी कितने बजे करते हो तुम? खाने की छुट्टी हमने बंद कर दी है साहब। खाने के बाद उंगली लगते थे तो हमने किया ये कि सुबह 6 के बजाय 6:05 पर ड्यूटी शुरू कर देते हैं और शाम को 6 की जगह 5:55 पर छुट्टी की घंटी बजा देते हैं साहब। ऐसा क्यों, इसमें क्या फायदा? अभी तक दोपहर में आधे घंटे की छुट्टी देते रहे साहब, वो छुट्टी बंद करने से 20 मिनट का फायदा, थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे पुराने टाइम पर लौट जाएंगे। कौन से घड़ी बांध के आते हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। सोच रहा हूँ आपकी बार जब मंत्री जी आएंगे जी। तो उनके हाथों मजदूरों में मुफ्त में चना चबेना बंटवाना शुरू कर दूं, पत्र पत्रिकाओं में फोटो वीटो भी छप जाएगी। ए मालिक, जब फोटो में छपवाना है तो मुख्यमंत्री जी के साथ छपवाइए ना। मैं अपने गांव लौट आया हूँ। मैंने जो गरीबी यहाँ से बाहर देखी थी, जिस गरीबी के बारे में पढ़ा था, वो तो कुछ भी नहीं है। बंधुआ मजदूरों पर जो अत्याचार यहाँ हो रहे हैं वो शायद ही कहीं और हो, पर मैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। क्या यही गांधी जी के सपनों का भारत है? क्या यही आजादी है जिसके लिए देश के नेताओं ने अपनी जान दी? इस गांव की जेल से कब ये भारत के निर्माण करने वाले आजाद होंगे? मास्टर जी। अरे मुन्ना तुम? देखिए मैंने टेलीफोन बना लिया। भाई वाह, तुम तो इंजीनियर बन गए। आवाज भी साफ सुनाई देती है। अच्छा, ये लीजिए अपना एक टेलीफोन और एक टेलीफोन अपने घर रखेंगे। जब भी कोई मुश्किल हुई हम दन दना कर पूछ लेंगे, इसलिए डोरी भी लंबी बनाई है। हम अभी घर जाकर आपको टेलीफोन करते हैं। मास्टर जी, मास्टर जी। हाँ बोलो मुन्ना। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आपने मुझे 10 तक का पढ़ा याद करने को बोला था ना, मैंने कर लिया है। सुनाओ। 8 का सुनाओ। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। बाकी का पढ़ा तुम सुना दो ना जी। जी 8 चौके 32। जानकी। हाय मैं मर गई। तुम्हें पाड़ों के सिवा और भी कुछ याद है? पूछिए। हम याद हैं? यह हंसने की बात नहीं है जानकी। तो हम क्या करें? ए जनकिया, किससे बात कर रही है? मास्टर जी से। कौन हमने बनाया बापू? तू चुप कर। जानकी, जानकी, जब तक मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे मेरा प्यार पाप लगता रहेगा। जानकी तुम सुन रही हो ना? जानकी। हाँ मास्टर साहब, आप बोलते जाइए, हम सब सुन रहे हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। हम जानकी के बाप है बाबूराम। बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। तो फिर? आपको बताने आए हैं कि इज्जत खाली बड़े लोगों की नहीं होती, हम गरीब भी इज्जतदार हैं। तो मैंने कब कहा कि आप इज्जतदार नहीं हैं? क्या मेरे मुन्ने को अपनी बेटी से प्रेम करने दीजिएगा? नहीं, मैं मुन्ना को ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी मुन्ना की भांजी होगी। क्या कहा? मेरा मतलब यह है कि मेरी बेटी मुन्ना की भांजी ही तो होगी, क्योंकि अगर आप इजाजत ना भी दें तो भी मैं जानकी से ही शादी करूंगा। आप बाबूराम की बेटी से ब्याह करेंगे? जी हां। आप जाके मुहूर्त निकलवाइए और ये भूल जाइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय, अगर बापू तुम्हें गंदा समा देते तो? तुमने संत कबीर का नाम सुना है? मैंने किसी का नाम नहीं सुना। मुझे या तो तुम याद हो या तुम्हारे पहाड़ी। एक तुनी दो, दो तुनी चार। Yeah, yeah, yeah.
जी आप गाइए ना। अच्छा तो सुनो, तीन दुनी छे तो चार दुनी आठ, दिल से मिला मेरे तन दिल की बात, दिल भी तू है जान भी तू है, दिल का अरमान तू है, सारे जहां से बढ़ के मेरा ईमान तू है, तेरा ये अंदाज भी तो लगे बड़ा प्यारा। तो थे दुनी बारा तेरा मेरा प्यार बगर जब नाची धारा, सात दुनी चौदा तो आठ दुनी डोला, मेरे घर आएगा तो लेके कब डोला, शहनाई दिल में मेरे कब से बज रही है जानम, बेताब दो दिलों का वो फिर रही ना सच्चा, जवानी की नहीं यारा तू ही है किनारा, यारा मैंने जो भी चाहा था उससे मिल गया है ज्यादा, तेरी कसम तेरे पत्र है जीने मरने का इरादा, जो भी चाहे कर ले सब कुछ मैंने तुझ पे वार, यारा मेरे यारा मेरे दिलदारा, यारा मेरे यारा मेरे दिलदारा, मास्टर साहब। अरे ठाकुर साहब आप नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लगता है शिक्षा के स्तर में काफी तरक्की हो रही है, कैसा चल रहा है तुम्हारा स्कूल? बस ठीक ही है, लेकिन पढ़ाई के साधनों की बहुत कमी है, किताबें तो बिल्कुल नहीं के बराबर हैं, और खेलकूद का तो सामान ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप पहले मास्टर जी हैं जिन्होंने इन समस्याओं पर इस प्रकार ध्यान दिया है। खैर, कल मंत्री जी आने वाले हैं, उनको कहकर शिक्षा मंत्री के नोटिस में ये बात ला सकते हैं। हमारा गांव नसीबों वाला है, आप जैसे मास्टर जी आ गए हैं, गांव के बच्चों का भविष्य जरूर सुधर। ओ।
आम के पेड़ से पायल, कहीं आपकी तो नहीं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी कैसे हो सकती? नहीं, खैर किसी की भी हो, आकर ले जाएगा। अच्छा मास्टर जी, चलता हूँ, लेकिन शिक्षा का स्तर गिरने ना पाए जी। अच्छा, ध्यान रखना। हमारी पायल दे दो। तो मतलब ये पायल आपकी है? मुझे लगा उस पेड़ की है, लेकिन इस पायल की आवाज जितनी मधुर है ना, उतनी आपकी आवाज मीठी है। ये तो गजब हो ही गया भैया, कि डॉक्टर घोड़ा कहत रहत ना कि डॉक्टर नी पेट से रही, ये तो शहर के डॉक्टर की रिपोर्ट है। ये तुम का कहते हो भैया? हाँ भैया, हम बिल्कुल ठीक कहते हैं। कलयुग में तो यही होगा भैया, छटंकिया कहत रहा, जब दरोगा जी ने डॉक्टरनी की बंद मुट्ठी खोली तो उसमें मार्क्स साहब का फोटो निकला रहा। भैया तुम लोगों को दरोगा जी से ज्यादा मालूम है क्या? ना आगे देखा ना पीछे, जो मुंह में आया बक दिया। अरे इस बात का फैसला तो कल पंचायत में हुई। भैया पंच तो परमेश्वर होते हैं, फिर हमारे सरपंच साहब तो देवता है। हाँ तो डॉक्टर घोड़ा, क्या खबर लाए हो? हम पंचों को ही बतलाने आए हैं कि डॉक्टर आशा रानी 2 महीना का पेट से थी। और ये खबर हम मुर्दा खाने से लेके आ रहे हैं, और कागज पर हम सिविल सर्जन का दस्तखत खुद अपनी आंखों से देखा। तो हमें इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि आशा रानी पर यह अत्याचार किया कौन, और उसको 2 महीने का पेट दिया कौन। ये तो ठीक कह रहे हैं आप। अरे भाई, पूरे गांव के लोग तो कह रहे हैं कि ये हरामजदगी उस मास्टर बाबू की है। अरे जय गोपाल जी की, पर ये बात आप कैसे कह सकते हैं मालिक? 16 आने की बात कही छटंकी, दिमाग अच्छा चल रहा है आज तेरा। इसीलिए तो हमने दरोगा जी को बुलाया है। बताइए दरोगा जी, हम ये जानते हैं कि आशा रानी की मुट्ठी से मास्टर साहब का फोटो निकला है, लेकिन पुलिस फिर भी किसी ठोस सबूत की तलाश में है। उस सबूत के मिलते ही विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मालिक एक बात और कहे, हम तो ये पूछा चाहत रहा कि सरकार ने ऐसा मास्टर ही गांव में भेजा क्यों? अभी तो शुरुआत है मालिक, आगे आगे देखिए होता है क्या। मालिक हमने तो उड़ती उड़ती खबर भी सुनी है कि मास्टर जी की लिस्ट में बाबूराम की बेटी का नाम है। आपने भी कुछ सुना बाबूराम जी? आपको शर्म आनी चाहिए, तुम बना दिए। अरे नहीं नहीं, मैं जनकिया को बचपन से देख रहा हूँ, बड़ी शरीफ लड़की है वो। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे देख, दुखी होकर चला गया बेचारा। जी 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 जी, बापू आ गया। बापू मुन्ने, एक बंडल बीड़ी ले आ लपक के। बापू बापू, पंचायत खत्म हो गई क्या? अभी चल रही है, अब तुम्हें मार्च साहब से मिलने की जरूरत नहीं। और उनसे तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। पर बापू, तुम ये बड़े लोगों का चक्कर नहीं जानते। ये 2.25 गज जमीन के ऊपर और 2.25 गज जमीन के नीचे, पता है डॉक्टर नी के मुट्ठी से तेरे मार साहब का फोटो निकला है। मास्टर जी, अब स्कूल मत जाइए, गांव में सरपंच और गांव के सारे लोग आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्कूल जाओ मुन्ना। हम स्कूल जरूर जाएंगे। जय गोपाल जी की मतलब, जय गोपाल जी की। देखिए ना, लौंडों ने क्या नहीं क्या लिख डाला। मालिक की सेवा में नजर भाई कमजोर, ये जानकी बाई तक तो पढ़ डाला। आगे नजर भाई कमजोर। जानकी तक पढ़ लिया ना, आगे मैं तुझे पढ़ाता हूँ।
मारो थाने को ये क्या कर रहे हो? जी 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 मास्टर जी को सब लोग पत्थरों से मार रहे हैं। हाय भैया चल मुन्ना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। नहीं विजय मैं कहता हूँ तुम चली जाओ। इसे मत मारो। अरे खेरो भाई को खेरो चल जाने। नहीं बापू मैं कहता हूँ चल यहाँ से। अरे मुन्ना दीदी कैसी है? जीजी को आपसे कम चोट लगी है मास्टर जी, बात करिएगा। हाँ चलो जाने की जरूरत ना है, फोन पे बात कर लीजिए। अच्छा जीजी जीजी बोलो मुन्ना। मास्टर जी जीजी फोन पर लीजिए बात कीजिए। जानकी कैसे हो? तुम कैसी हो? लो होते तो उस दिन कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छी हूं, फिर क्यों पूछ रहे हो? हम सोच भी नहीं सकते थे कि गांव वाले इतने बेदर्द हैं। नहीं जानकी, गांव वालों का अपना दर्द इतना ज्यादा है कि अगर दर्द जरा भी और बढ़े तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत चोट लगी है ना? लेकिन तुम घबराओ मत जानकी, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने का जो मैंने वादा किया है तुम्हारे सामने झूठा नहीं पड़ूंगा। ना विजय ना, हमको तुम्हारे लहू से भीगा सिंदूर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम शहर लौट जाओ विजय, तुम शहर लौट जाओ, शहर लौट जाओ, तुम शहर लौट जाओ। हाँ मार्ट साहब, जनकिया ठीक कह रही है, तुम शहर लौट जाओ। नहीं नहीं बापू, नहीं 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 बापू, नहीं नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप? चलिए मास्टर साहब। चलूं? लेकिन कहां? अभी थाने चलिए, जेल बाद में होगी। लेकिन मैंने किया क्या है? पंचायत की रिपोर्ट के मुताबिक सरपंच ने आप पर कत्ल के जुर्म का इल्जाम लगाया है और ये मेरे पास वारंट है। सरपंच ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है? जी हाँ। चलिए रोको। क्या हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इसे अस्पताल लेकर जाओ। भागने न पाए, पकड़ो इसे। Thank you.
बाहर निकल, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मास्टर तू? जब चूहे की मौत आती है तो वो शेर की गुफा को अपना बिल समझता है, लेकिन अंजाम मैं बताता हूं। तूने पुलिस को रिश्वत दे के मुझे फंसाया है ठाकुर, आज मांग ले तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तेरे जुल्म के दिन खत्म हो चुके हैं। पुलिस दिन तो तेरे खत्म हो गए मास्टर तनक, अब मैं पढ़ाऊंगा और तू पढ़ेगा, समझे? इंस्पेक्टर साहब ये पकड़ो आपका मुजरिम, हम तो वैसे भी कानून के रखवाले हैं। चलिए विजय कुमार चलिए, चलो। जी 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 हाँ? मास्टर जी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस? Get
निभाना पड़ेगा तुझे मेरे कहाँ गई थी? हम कुछ पूछ रहे हैं ना, कहाँ गई थी? बोल कहाँ गई थी? बेशर्म! ठीक है, चुप कर। हम दो दिन के भीतर भीतर ब्याह करके अलग करते हैं तुमको। अब रो रही है, चल बे मुन्ने मेरे साथ, चल। मालिक एक बात कहें, मन का एक दफे हमो के घोड़े पे चला देना, आगे आगे ढोलता सा पीछे पीछे हम। मरता जा रहा है क्या? मरता जा रहा है, है? नहीं कथा कहीं का करवा देंगे मालिक सरकार बाबूराम आया है। मालिक बाबूराम, राम राम मालिक, राम राम, राम राम, राम राम। जय गोपाल जी की बाबूराम। जय गोपाल मालिक को अभी हम तेल लगा रहा था। लगाइए लगाइए। क्या हालचाल है बाबूराम? हैं? तुम्हारे जमाई तो गए पड़े घर। क्या बताएं मालिक, अब हम जा रहे हैं रामपुर। राम जनक का लड़का सातवीं तक पढ़ा लिखा है। हा पागल हो गया है तू, पागल हो गया है। गांव के सारे लड़के मर गए क्या? इस छटंकिया में क्या खराबी है? छटंकिया? देख देख कैसा शर्मा रहा है। नहीं मालिक, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, राम जनक के बेटे को भी देख कर आ जाओ। और ये लो कुछ पैसे साथ रखो, खाली हाथ मत जाना, मिठाई लेकर जाना। लो मालिक। मालिक मालिक, अरे भाई तू मेरा खास मजदूर है, खास मजदूर है। खाली हाथ जाएगा तो नाक मेरी कटेगी। जा जा फटाफट रामपुर जा, चल चल जल्दी जल्दी। जैसी आपकी आज्ञा मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। जा मालिक, एक तो सरवा ब्याह को तैयार नहीं हुआ, ऊपर से आप उसको 200 रुपया भी दे दिए। पैर दबा पैर दबा। शादी ब्याह में जोर जबरदस्ती नहीं चलती, समझा कर। जाके जनकिया को पटा ले। हैं? गोपाल जी की का है? बाबूराम जी हैं? ना है ना। मुन्ना है? ना है ना। तो बहुत अच्छी बात है। देखिया एक हमका तो से प्राइवेट बात करेंगे। का बात है? का बात है? गुप्त बात है। ये हम तोरे कान में बोलब। अपन कान यहाँ ले आओ ना। हमारा कान कोई मिठाई का दोना है क्या? यहाँ ले आओ बोलो। जय गोपाल जी की जनकिया, तू कोनो फिल्म देखी है? नहीं नहीं। बहुत मुश्किल हो गया। अगर तू कोनो फिल्म देखी होती ना तो हम तो से पूछ लेते कि कादर खान का डायलॉग बोले कि नदीम खान का। ये डायलॉग कहो थे? कहो थे छत्तरी की चटंकिया कहां पहुंच गए। अब जनकिया, ये जनकिया
वो जो तो का मार्च साहब से रहा ना प्रेम, वो हमका तो से है। अपने दिल की खाली कुठरिया में इतनी सी जगह दे देना। आपके हाथ का थप्पड़ झापड़ लतन मुक्का बहुत खाया, पर जनकिया के हाथ का थप्पड़ आए हाय। जय गोपाल जी की। हमें अच्छी तरह याद है उसका थप्पड़। नाग को दूध खिलाओ, आज नाग पंचमी का दिन है, पुण्य मिलेगा। नाग को दूध खिलाओ भाई, नाग को दूध खिलाओ। नाग पंचमी का दिन है, नागों को दूध पिलाने का त्योहार है आज का दिन। नागों को दूध पिलाने का दिन है आज, नाग पंचमी है, नाग पंचमी। राम राम राम। बोलो कैसे आना हुआ? आज नागपंचमी का दिन है, हमारे गांव में एक नौटंकी आई है, उसमें आप जरूर पधारे। मालिक, हाँ हमें मालूम है, हम जरूर पधारेंगे। हर भर गई कलाई, एक दिन
जब तू अलगा, एक दिन जब तू हद से बढ़ा तो बात समझ में आई। मैंने हाँ जी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, बस राम दुहाई बस राम दुहाई बस राम दुहाई। उंगली पकड़ कर पकड़ोगे पहुंचा, उंगली पकड़ कर पकड़ोगे पहुंचा। अरे क्या नाचिए रे वो छोकरिया, राम कसम अपना तो दिल ले गई। वाह वाह वाह, राम राम सरकार। अरे जल्दी घर जाओ, नहीं तो घर वाली जो छोटा मोटा दिल बचा है ना उसको भी तोड़ देगी। जाओ जल्दी घर। लेकिन अच्छी नाची है, पर ये छटंकिया कहाँ गया? कहीं नाचने वाले के पीछे तो नहीं गया? सरकार मैंने उसे जनकिया के पीछे जाते हुए देखा है। हाँ सरकार, वो बाबू राम की छोकरी है ना, वो का चाल चलन ठीक नहीं पा। हाँ चलो देखते हैं। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। क्या कहा? हाँ दोबारा बोले ना तो जबान निकाल कर हाथ में रख दूंगी। हमारा बाप तुम्हारा बंधुआ जरूर होगा, पर हम ना है। जबान संभाल कर बात किया कर हमसे। चुप, अंदर आके देख ले। तू नहीं, तेरा गंदा पैर निकाल हमारे घर के बाहर। अच्छा जाओ, चला अंदर चल के देखा। यहां तो कहीं नहीं है। जमीन निकल गई, आसमान खा गया। अच्छा छटंकी, तो ये है तेरी नौटंकी। जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की। चल बारिगर, निकल निकल, यहाँ छुपा हुआ है। चल चल छोटे भाई, चलते हो भाई। चल पलंग के नीचे छुपता है। क्यों और कितने ग्राहक अंदर है? नहीं, नहीं? नहीं। चटन किया हुजूर, इसे क्यों मार रहे हो? इसका फैसला तो कल पंचायत करेगी। तुझे कुछ कहना है बे छटंकिया? जय गोपाल जी की। अब हम क्या कह सकते मालिक, रंगे हाथों पकड़े गए। अब भूल चुक माफ करो मालिक, अब ऐसी गलती कबूल ना हुई। माफी कैसे दी जाए है? कैसे माफी दी जाए? तेरा अपराध बहुत बड़ा है। फिर लोग कह सकते हैं कि सरपंच का आदमी था इसलिए माफ कर दिया, और साथ में गांव की इज्जत आबरू का भी सवाल है क्या? नहीं है ना? इसलिए प्रस्ताव रखता हूं कि छटंकिया का जानकिया के साथ विवाह करके ये किस्सा खत्म किया जाए। ठीक है। और छटंकिया बाबूराम को इस विवाह के खर्चे के वास्ते 250 रुपया नगद देगा। दुहाई है मालिक, खर्चा तो नहीं कम किया जाए। 250 रुपये तो मैं कथा कही का। अब पंचों की जो राय होगी वो। पंच कौन होते हैं मेरे ब्याह का फैसला करने वाले? हम पंचायत की बेटी नहीं है। अरे क्या तू पगला गई है जनकिया? हम ना पगला गए हैं और ना ही लोग अंधे हैं। छटंकिया, अगर आप लोगों में से किसी की बेटी की चारपाई के नीचे से निकल आए तो क्या आप लोग अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर दीजिएगा? उसके साथ मेरा ब्याह सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि मैं एक बंधुआ मजदूर की बेटी हूँ। गरीब की बेटी होने का मतलब
बहुत गलत निकाला है आप लोगों ने। अरे रे बिटिया, तू कैसी बातें करती है? पंचों से कोई ऐसी बात करता है? पंच तो परमेश्वर होते हैं। परमेश्वर के ऐसे लक्ष्य नहीं होते बापू। ये लोग अपनी अपनी बेटियों को बचाने के वास्ते तुम्हारी बेटी की दाली दे रहे हैं सरपंच को। अरे हद से आगे मत बढ़ बेशरम। तेरी ये मजाल के मालिक के वास्ते ऐसा बोले? छटंकी के साथ ब्याह नहीं करेगी तो खोद के गाड़ देंगे हम। तो गाड़ दो ना खोद के। मैं छटंकिया से ब्याह नहीं करूंगी। कोई जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। छटंकी के साथ तेरा ब्याह होगा, हम भी देखते हैं कैसे नहीं करती। तेरा ये हिसाब के बराबर में जवाब देती है, जबान लड़ाती है। तेरे को छटंकिया की बात ब्याह करना ही होगा। मैं नहीं करूंगी। मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं छटंकी के साथ तेरे को ब्याह करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ छटंकी करना ही पड़ेगा। बेटी, इस ब्याह को मान ले बिटिया। नहीं बापू नहीं। लोगों के तकदीर में अपने मर्जी की ना लिखी है बापू। ये रामपुर के जनेऊ काम का बेटा अपने नसीब में ना ही। हमारा मालिक हमारा बहुत ख्याल किए हैं बापू। छटंकी के साथ तेरा ब्याह करने को कह रहे हैं। नहीं बापू नहीं। तुझे मेरी कसम, मना मत कर बेटी। इस ब्याह को कर ले बेटी, ब्याह कर ले बापू। ताकि ताकि हम नहीं बापू, हम कहीं आए आम से मर। बापू नहीं, इस केस में पुलिस का रवैया और छानबीन का तरीका बहुत ही गलत रहा। यह बड़े शर्म की बात है। मुलजिम विजय कुमार वल्द मरहूम द्वारका प्रसाद सिंह के खिलाफ अपने केस को साबित करने में सरकार पूरी तरह असफल रही। इस अदालत को तो यह केस झूठा भी लगता है, लिहाजा केस खारिज किया जाता है और विजय कुमार को बरी किया जाता है। थैंक यू। इन आग की लपटों में अरमान जल रहे हैं। कहने को है जिंदा पर इंसान जल रहे हैं। मजबूरियों का दादा बेबस बेचारा शाही। अंधेरे है ये कहता, ये कैसी है तबाही, ये कैसी है तबाही। ये बेजुबान लोग भी जुबान खोलते हैं। कोई जाके उनसे कह दे, कोई जाके उनसे कह दे, पत्थर भी बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं। ये बेजुबान लोग भी जुबान खोलते हैं। जय गोपाल जी की जन किया। ए देख, हम तो के बहुत खुश राखब। हाय, वो दिन का थप्पड़ हम नहीं भूले। अरे तोरे हाथ में तो इतना दम है कि हमारी खोपड़ी नाच गई। कहाँ है भाई? मालिक बुलात है, कोनो जरूरी काम है। अब अभी इसी बात। हाँ। तुम चलो, हम आवत है। अच्छा। जन किया, तू घबराए जिन, हम कुत्ते की चाल से भागेगा और बिल्ली की चाल से दौड़ के आ जाएंगे।
अंदर से दरवाजा बंद कर लियो है। साला अभी तक नहीं आया। आपने बुलाया मालिक? ताला खुल गया। अबे कहा मालिक? नहीं कोई बात नहीं है, अब जनकिया जोरू बनकर बाकायदा तुम्हारे घर पर आई है। सभापति की कृपा मालिक। ढाई तीन घंटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि अभी अभी मंत्री जी का फोन आया था, उन्होंने कोई जरूरी कागजात मंगवाया है। कागजात बहुत टॉप सीक्रेट है और मेरा किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप जाइए। ये रहे कागजात और ये रही गाड़ी की चाबी। अब इन्हें मैं ले आई है जल्दी। जी शोर मचा रहे हो, क्या है भैया? जय गोपाल जी। जय गोपाल जी की? अरे भाई मुझे बहुत जल्दी है, मंत्री जी से मिलना है। अरे मंत्री जी तो तीन दिन से दिल्ली गए हुए हैं। क्या बात करते हो, अभी अभी सरपंच जी से बात हुई टेलीफोन पर। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया। हाँ लेकिन अभी सरपंच जी से। अरे सरपंच जी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा। अरे जाओ यार, दिमाग खराब करते हैं आके। चले आते हैं गाँव से मंत्री जी का मिलने। हवेली नहीं है कि जब जी चाहे चले आओ और जब जी चाहे चले जाओ। ये मेरा घर है, निकल जाओ यहां से। झांसे की रानी, वाह चल क्या। अगर देश का हर नारी में तोरे जैसा हिम्मत हो जाए तो रतन पर कभी अत्याचार न होए और रतन की इज्जत सातवें आसमान पर पहुंच जाए, कि देश फिर से सती सावित्री का देश हो जाए, ऐसा रावण न पैदा होए। चिंकिया हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे। चिंकिया चिंकिया तू अपने भाई के घर चली जा, ये खून का इल्जाम हम अपने सर पर ले ले।
जनकिया एक मौका मिला है जिंदगी में एक तो अच्छा काम करे थे। जानकी भाग क्या गए का? भाग के नहीं, बेकसूर छूट के आया हूं। लेकिन तुमने अभी जो जानकी से बहादुरी की बात कही, इस बात की गंगा में तुम्हारे पाप तो धुल गए, लेकिन अपने पाप के साथ जानकी की मांग का सिंदूर भी बहा देना चाहते हो? कैसन सिंदूर कैसन शादी मार साहब? सिंदूर नहीं मार साहब, ठेंगा है। जानकी अभी तक कुंवारी मार साहब, सरपंच के साथ साथ ही सब खत्म हो गया। मार साहब ये आपकी अमानत है, आप एक ले जाओ। नहीं, ये कैसे ले जाएंगे? मेरा ब्याह तो आपके साथ हुआ है और ये मंगलसूत्र भी आपने मुझे पहनाया है, ये कैसे ले जाएंगे? ठीक कह रहा हूं, हम पहनाए ना ये मंगलसूत्र, हम पहनाए ना, हम पहनाए तो तोड़ देते। अब तुम आजाद हो, अभी हमरी कैसे आजाद है? मास्टर मास्टर अभी इस तरह के लाश को यहीं छोड़ के आप तुम नहीं चले जाओ। ये खुद मैंने किया है ना, और इसकी सजा नहीं भुगतूंगी। नहीं जानकी, देखो जानकी जिद मत करो, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं इस लाश को ठिकाने लगाता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता? इस लाश का तेरह पांच हमें कर दे, मार साहब तो हमने मदद करो, चलो। हाँ चलो। बटन हम दबा के जाए ताकि दूसरी आवाज ना हो सके। चाहे हटो रे, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। सर का खान हम नहीं छोड़े वाला, भगवान ने हमका मौत का सजा सुनाई दी। मत सब सबसे पहले लोगन के मालूम पड़े कि ठाकुर का शिकार कैसे उड़ गया। अब जनकिया को लेकर यहां से चले जाए। देखो चटन की, देखो देखने का टाइम नहीं मत सर, समझने को
कोशिश कर मास्टर, मास्टर हमने मरे के सिवाय जनकिया का मुक्ति का कोई रास्ता नहीं था मास्टर, मास्टर आपकी अमानत है मास्टर, हम आपको सौंप दिए जनकिया, मास्टर जनकिया हमको क्षमा कर दो, छटंगी छटंगी खामोश पत्थरों से आवाज देखो आई, जालिम का जुल्म हारा और जीती है सच्चाई, ये बेजुबान लोग भी जुबान खोलते बताए कि मामले